तो आप लोग कहानी सुनने के लिए तैयार? यस मैम। कहानी सुननी अच्छी लगती है ना? यस मैम। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। तो आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे और आप लोग उसका शीर्षक बताइएगा कि इसका कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो एक समय की बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वो बहुत गरीब थे। उनका परिवार था, उनकी पत्नी थी और एक बेटा था। उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं रहता था। कुछ भी नहीं मतलब कि कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वो इतने दरिद्र थे, भिक्षा मांग के अपना काम चलाते थे। तो पंडित की जो पत्नी थी उन्होंने कहा, ऐसा करिए, यहाँ भिक्षा भी इतनी नहीं मिलती, तो आप जो है कहीं जाइए बाहर, कुछ कमाइए उमाइए, तो घर का खाना खर्चा चले, क्योंकि अब बेटा भी यानी कि पुत्र बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी करनी है। तो वो पत्नी से बार बार झगड़ा होता, ये वो सब करते रहते। तो एक दिन वो बहुत परेशान हो गए पंडित जी, क्योंकि कथा भी उनसे कोई नहीं सुनता था, ना ही कुछ और काम करवाता था, और उनको कुछ काम करना भी नहीं आता था। तो पंडिताइन जो थी बहुत परेशान किया, जबकि नहीं अब कमा के लाइए, ऐसे घर नहीं बैठा जाएगा, नहीं चल पाएगा। तो पंडित जी बेचारे क्या किए, मन महसूस करके पोटली वोटली ली, सामान सट्टा जैसे पीठ पे लादा और चल दिए। जो अपनी कहानी कथा वथा सुनाते थे उसकी किताब रखी, पूजा का सामान रखा, और कुछ अपने वस्त्र जो कपड़े लुंगी उंगी पहनते थे उन्होंने रख लिया, ठीक है। लुंगी जानते हो किसको कहते हैं? किसको कहा जाता है? पहनते हैं ना, जैसे स्नान करते हैं तो कहमत टाइप में जो पहनते हैं, जैसे पापा लोग निक्कर चेंज करने के लिए जो पहनते हैं उसको लुंगी कहते हैं, और बाहर भी पहन के जाते हैं, व्हाइट कलर की लुंगी होती, सबको पता है ना, ठीक है। तो वो लुंगी पहन करके वो जो है चल, मतलब रख लिए लुंगी जो पहनते थे, सामान को सब अपनी पोटली पे ऐसे करके रख लिया, और चलते 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 गांव के किनारे जब वो पहुंचे, तो वहां गांव के किनारे एक बड़ा सा तालाब था। तालाब तो सबको पता है ना क्या होता है, जो बहुत सा बड़ा सा होता है, गड्ढा टाइप का, उसमें पानी भरा होता है। हर एक गांव में एक किनारे पे एक तालाब होता, उसी टाइप में उनके गांव के किनारे एक तालाब था। पंडित जी ने क्या सोचा कि चलो अब चल ही रहे हैं विदेश कमाने के लिए, तो फिर क्या करते हैं उसमें चलो नहा लिया जाए। पंडित जी नहाने लगे, नहा धो करके आराम से जब बैठे तो उनके मन में विचार आया कि ऐसा करते अब तो जा तो रहे ही हैं, चलो यहाँ बैठ करके कथा ही सुना दी जाए, किसी को नहीं सुने तालाब सुन लेगा, और क्या। उनके मन में ऐसे विचार आया कि चलो कथा तो कही लेते हैं। उन्होंने अपना आसन वासन बढ़िया बिछाया और बैठ गए, पूजा पाठ करके करके कथा सुनाने लगे। वहीं पे एक बिल बना हुआ था सांप की, बांबी टाइप में, जिसमें सांप रहते हैं, तो वो बांबी होती है, सांप का बिल दूसरे टाइप का होता है, उसमें ऐसे ऐसे करके ढेर लग जाता है मिट्टी का, तुम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा शायद। yes, देखा है ना। yes, तो सांप जो बिल में रहता था वो भी उसमें से निकल आया। वो आराम से ऐसे बैठ करके फन फैला के यूं सुना के, वो भी भैया चुपके चुपके कथा सुन रहा, पंडित जी कथा सुना रहे हैं, सुना रहे हैं। जब कथा की समाप्ति हुई, उन्होंने शंख जो बजाया, कैसे शंख बजाता बताओ? क्या बात है, बच्चे मारे तो शंख भी बजा लेते हैं। तो इस तरह से पंडित जी ने शंख बजाया, ठीक। और जब शंख बज गया उसके बाद में कथा समाप्ति हो गई। पंडित जी ने आरती वारती गाई, भगवान विष्णु जी की ऐसे नमस्कार किया, और सर्प जो आया पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी तुमने कथा तो बहुत अच्छी सुनाई है, हैं। और उनको उन्होंने एक असरफी यानी कि मुद्रा रुपया सोने का सिक्का दिया, सोने का सिक्का दिया। पंडित जी बहुत खुश, लेकिन सर्प से डरने लगे। तो सर्प ने कहा, ऐसा है पंडित महाराज, डरो नहीं, आप हमें रोज कथा सुनाओ और हम आपको सर्फी देंगे, आपको विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं, कमाने की जरूरत नहीं है बाहर जाने की। अब पंडित जी तो खुश, कहें चलो बढ़िया, गांव में ही रहेंगे, हमको जाना नहीं कहीं पड़ेगा, अपनी पत्नी और पुत्र से हम बिछड़ेंगे भी नहीं। और वो सर्फी लेकर के यानी कि मुद्रा वो जो थी सिक्का लेकर के घर चले गए। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, ऐसे करके सालों बीतते रहे। पंडित जी की पत्नी ने बहुत पूछा, भाई पंडित जी आप कहाँ से धन लाते हो इतना, लेकिन पंडित जी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि सर्प ने उनसे कहा था, देखो पंडित जी हम आपसे कथा सुनेंगे, आपको हम सिक्का देंगे, लेकिन आप जो है किसी से ये बात कहिएगा नहीं। अब पंडिताइन जो सोची कि आखिर ये रोज 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 कहाँ से लेकर के आते, भैया रोज को एक दे रहा तो कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। और बहुत वो सोचने लगी धीरे धीरे करके। फिर एक दिन पंडित जी ने बहुत जब उनसे पूछा पंडिताइन ने, तो उन्होंने बता दिया कि भाई हम जाते हैं तालाब के किनारे, स्नान ध्यान करके बैठते हैं, आसन लगाते हैं, और एक वहाँ पे सांप साइड में बिल में रहता है, वो हमको कहता है कि पंडित जी आप कथा सुनाइए और हम आपको एक मुद्रा देंगे, और वही हम लेकर के चले आते हैं, इससे हमारा खर्चा खाना चलता है। और पंडित जी धीरे धीरे करके जब रोज किसी को एक सोने का सिक्का मिलेगा तो भाई वो तो धनवान हो गया, पंडित जी ने बहुत बड़ा घर बना लिया। अब उनका पुत्र कहने लगा, पिताजी आप भी हमें भी बताओ आप धन कहाँ से कमा के लाते हो। तो पंडित जी ने उनको तो नहीं बताया, पर पत्नी को बता दिया, और पत्नी ने अपने पुत्र को बता दिया। और जब पुत्र को बता दिया तो पुत्र ने जो था उसके मन में कुछ लालच उठा,
उसने सोचा अच्छा सर्प के पास क्या बहुत सारा धन है। उसने क्या किया, कुदाली ली। कुदाली बच्चों जानते हो क्या होती है? क्या होती है? खोदने वाली कुदाली होती है ना। तो वो कुदाली जो थी ले करके पीठ पे लाद करके वो वहीं गया और उसने आसन लगाया और कथा प्रारंभ कर दी। कथा पढ़ने लगा और कथा पढ़ते 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 जब वो बहुत देर हो गई, पढ़ चुका और आरती पूजा जब करी तो सर्प ने जो है मुद्रा निकाल करके उसको देनी चाहिए। तो उसने क्या किया, मुद्रा तो उसने ले ली, फिर उसने कुदाली उठाई और जहाँ पे सर्प रहता था उसकी बांबी के पास में यानी बिल के पास में गया और कुदाली से वो कैसे खोदने लगा, ऐसे ऐसे वो खोदने लगा। और जब खोदता रहा तो आखिर में अंत में सर्प जो है बिल बिला गया। खोदता रहा जब वो, तो उसने क्या किया, सर्प ने उसके पैर पे काट लिया और जो पंडित जी का पुत्र था वो वहीं पे मर गया क्योंकि सर्प ने काट लिया। तो बच्चों क्या हुआ, सर्प ने जब उसको डस लिया तो उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी फिर उसको पता चली, गांव में बात गई, काफी देर हुई जब पुत्र आया नहीं तो पत्नी ने कहा कि पंडित जी को पता भी नहीं था कि पुत्र हमारा कहाँ गया। तो फिर जब पत्नी से पूछा कि भाई हमारा पुत्र कहाँ है बताओ, उनकी माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि वो भी आपकी पोथी पत्रा लेकर के गया था कहीं, मुझे नहीं पता है। और वो ये करते हुए फिर वो भाई पंडित जी सनक गए कि ऐसा तो नहीं है वो वहीं गया हो। पूछा क्या तुमने मेरे पुत्र को बता दिया था क्या, तो ने कहा हाँ मैंने बता दिया था। अब पंडित जी सिर पीटने लगे, अरे भगवान तूने क्यों बताया उसको। फिर वो गए वहां दोनों पति पत्नी तालाब पे गए तो देखा उनका पुत्र मरा पड़ा है, हैं, और वहां पे कुदाली भी पड़ी है, पुत्र के हाथ में कुदाली पकड़ी हुई है, वो ऐसे पड़ा हुआ है। पंडित जी ने देखा बहुत सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं, तो उन्होंने देखा कि पांव में सर्प ने काट लिया और सर्प ने जब काटा तो उसकी मृत्यु हो गई। पीछे से गांव वाले भी आए, उनको भी ये सारी बात पता चली तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि पुत्र ने इतना ज्यादा लालच किया। अगर लालच नहीं किया होता तो क्या सर्प उसको काट लेता नहीं ना। बच्चों समझ रहे हो, तो अब सोचो कि अगर हम लालच नहीं करते तो हम और धनवान बन जाते। पंडित जी ने कहा पत्नी से अपनी कि देखो ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, अगर तुमने लालच ना किया होता तो आज हमारा पुत्र हमारे पास होता। इतना करके वो विलाप करने लगे और सभी गांव वालों से ये कहा कि भाई तुम्हें कहीं भी कोई चीज मिलती है तो आप लोग उसको मिल बांट के करिए, पर कुछ किसी का अहित ना करिए, अगर हम किसी का अहित करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे पर ही पड़ेगा, है ना बच्चों। तो हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। अगर हम लालच करेंगे तो क्या इसका परिणाम निकलेगा, कहीं ना कहीं से हमें नुकसान पहुंचेगा ना। तो देखिए पंडित जी के पुत्र ने लालच किया तो उसको क्या हुआ, उसको मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसको जो है सर्प ने काट लिया। तो आप लोग भी कभी लालच नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे कभी कोई ऐसी चीज कि जहाँ पे जैसे मिल रही हो तो उसको अधिक पाने की लालसा नहीं करेंगे। आप जो है नियम पूर्वक चलेंगे, ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे, करेंगे ना। तो कहानी कैसी लगी बच्चों, वेरी गुड, बढ़िया लगी ना। तो चलिए ठीक है, कहानी आज की हमारी यही खत्म होती है, कल फिर हम लोग अगली कहानी के साथ मिलेंगे, है ना। चलिए।